दुनिया तक पर देखिए टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रूसी भाग में गुरुवार को तड़के आग लगने और धुएं का अलार्म बजने की सूचना मिली, जिसके बाद काम करने वाले सदस्य अलर्ट हो गए और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए एयर फिल्टर खोल दिए और हवा गुणवत्ता सामान्य होने पर कर्मचारी वहां से लौट गए। ये घटना तब हुई जब स्टेशन की बैटरी रिचार्ज की जा रही थी। अमेरिका में उड़ान के दौरान एक शख्स को हंगामा करना काफी महंगा पड़ा। 61 साल के उपद्रवी ने पहले तो यात्रियों के साथ बदसलूकी की, बाद में समझाने की कोशिश कर रहे फ्लाइट अटेंडेंट से भी उलझ पड़ा। इतने पर जब इस बवाली का मन नहीं भरा तो वो अपनी सीट छोड़कर क्रू मेंबर से बहसबाजी करने लगा। इस बदतमीजी के चलते शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे हंगामे का वीडियो प्लेन में ही सवार एक यात्री ने रिकॉर्ड कर लिया। अमेरिकन एयरलाइंस ने बयान में घटना की पुष्टि की है। चलिए अब आपको ले चलते हैं फैशन की दुनिया में, जहां दुनिया भर के जाने माने सितारों ने रैंप पर कैटवॉक कर जलवा बिखेरा। अमेरिका में न्यूयॉर्क फैशन वीक की शुरुआत हो चुकी है और जाने माने डिजाइनर क्रिश्चियन सिरियानो ने मंगलवार को अपने स्प्रिंग समर कलेक्शन 2022 पेश किया। अमेरिकी फैशन डिजाइनर सिरियानो के इस शानदार कलेक्शन को देखने के लिए कई जाने माने सितारे भी मौजूद रहे। सिरियानो ने इस दौरान कुल 59 डिजाइनों को पेश किया। बता दें कि न्यूयॉर्क फैशन वीक 12 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान दुनिया भर के डिजाइनर अपने शानदार कलेक्शन पेश करेंगे। अब बात टर्की की, जहां एक पायलट ने दो सुरंगों के अंदर से प्लेन को उड़ाकर एक कारनामे को अंजाम दिया। इस कारनामे को वहां मौजूद जिस भी शख्स ने देखा उसने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। अब जरा आप भी इस पायलट के करतब देखिए। सुरंग के अंदर उड़ती ये कोई खिलौने वाले प्लेन नहीं, बल्कि ये हिम्मत और बहादुरी का वो नमूना है जिसे जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। तस्वीरें टर्की की हैं, जहां स्टंट पायलट डायरो कोस्टा ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई थी। चलिए अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मौजूद यूनाइटेड नेशन के हेड ऑफिस की ड्रोन तस्वीरों के साथ। ये वो मंच है जहां से दुनिया भर के देशों के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं। 1929 और 1938 के बीच बनी इस इमारत में, जिसका नाम पैलेस डी नेशंस है, वहां सभी राष्ट्रों के झंडे भी आपको कतार में लगे नजर आ जाएंगे। इसके अलावा वो प्रगाण में मौजूद बगीचे में वो टूटी हुई कुर्सी वाली कलाकृति भी है जिसे स्विस कलाकार डेनियल ब्रसेट ने बनाया था।